हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए स्वैपर की गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये गेम प्ले वीडियो देखने के बाद बहुत सारे प्लेयर के स्वैपर फेवरेट रोल बनने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पे शुरू में लाइट ऑफ का सपोर्ट आ जाता है और ऑरेंज यहाँ पे मेरे साथ कैफेटेरिया में घूम रहा है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीसीटीवी रूम में, क्योंकि कैमरा ऑन हो चुका है, तो कोई कैमरा रूम में बैठा हुआ है। तो मैं सीसीटीवी रूम में जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से नहीं गया। मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रिक में जाके लाइट ठीक करता हूँ, लेकिन वहाँ जाते हुए लाइट ठीक नहीं हुई तो मैं ना वहाँ से मुड़ गया कि इम्पोस्टर अंदर ही बैठा होगा। इतने में लाइट ठीक हो जाती है तो मैं फिर से घूम के जाता हूँ कि किसने ठीक की। वहाँ पे ग्रीन और पिंक जा रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक ने लाइट फिक्स किया होगा। तो मैं फिर से सीसीटीवी रूम में जाता हूँ, तो वहाँ पर जाके देखता हूँ तो रेड, ब्राउन और वाइट तीनों के तीनों कैमरा में खड़े थे। और इतने में ना येल्लो की डेड बॉडी रिपोर्ट आ जाती है और डबल किल हो जाते हैं, येल्लो और ग्रीन टपक चुका है। तो अब ग्रीन के साथ अभी भी अपने देखा कि पिंक गया था, तो एक इम्पोस्टर पिंक है, वो पकड़ा गया है। तो यहाँ पे मैंने रोल चेक किया, सियान ने बैंड किया है तो सियान इंजीनियर ही होगा, क्योंकि वो बोल रहा है माइक दो, इसलिए वो इंजीनियर ही होगा। तो मैंने उसे इंजीनियर मार्क कर लिया और मैंने बोला कि भाई रोल ड्रॉप करो यहाँ पे। देखो मैंने अभी आपको टाइप कर रहा हूँ, रोल ड्रॉप करने के लिए बोल रहा हूँ। तो रेड यहाँ पे अपने आप को बेटर बोलता है, मैंने उसे बेटर मार्क कर लिया। अब देखो डबल किल हो चुके हैं, तो ब्राउन, व्हाइट और रेड तीनों सीसीटीवी रूम में थे, तो वो तीनों सेफ हो चुके हैं। ऑरेंज ने रिपोर्ट की है और वो कैफेटेरिया में खड़ा था, तो मेरे लिए अभी वो सेफ है। अब सियान अपना इंजीनियर है तो पिंक और ब्लू ही बचा है, तो गेम ख़त्म है यहाँ पे। ठीक है, मैं वहाँ खड़ा रहा 2 मिनट, फिर इसने रिपोर्ट कर दिया, पहले पिंक को निकालो अपना, पिंक कोई इंजीनियर नहीं है, पिंक को पिंक झूठ बोल रहा है, मेरे पास मेडवे है, मेरे पास मेडवे, इधर गिमिक का कोई हाल चाल कुछ भी नहीं है, मैं मेडवे दिखा दूंगी, पहले पिंक को निकालो यार, पिंक को निकालो। तो गाइस अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, उससे ना एक इम्पोस्टर का पूरा वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी उसकी। वो अभी पूरा शौक में पड़ जाएगा कि मेरे साथ अभी हुआ क्या। तो अभी ब्लू को झटका लगने वाला है, हंसते हंसते वो अभी वो पिंक बोल रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि अभी तूफान उसके ऊपर ही आने वाला है। तो यहाँ पे सारे पिंक के वोट गए ब्लू पे, ब्लू का हो गया है कल्याण, तो पिंक की सजा यहाँ पे मिलती है ब्लू को। वैसे ये येल्लो को ब्लू ने ही मारा है। तो ये मीटिंग होने के बाद सभी बोल रहे होंगे कि यार स्वैपर ने क्या कर दिया भाई, स्वैपर नल्ला है क्या। लेकिन उन सभी को क्या पता कि गेम खत्म होने के बाद पता चलेगा कि स्वैपर ने क्या किया था। तो यहाँ पे ऑटो का सैबोटाज हुआ था, तो वो तुरंत फिक्स हो चुका है। तो सियान अपना 100% इंजीनियर है, तो मैं यहाँ पे कार स्वाइप कर रहा था, फिर मैंने सोचा अरे गेम ख़त्म है तो मैं मिशन क्यों कंप्लीट करूँ, तो कैफेटेरिया में जाके फटाक से मीटिंग बुला ली और पिंक को निकालने को बोल दिया। तो यहाँ पे सब ने पिंक को वोट कर दिया, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों गेम ख़त्म हो गई। सब लोग बोल रहे थे भाई स्वैपर ये, स्वैपर वो, लेकिन स्वैपर ने ही यहाँ पे गेम ख़त्म कर दिया भाई। देख लो भाई दोनों इम्पोस्टर पिंक और ब्लू। चलो दूसरी गेम देखते हैं। तो यहाँ पे रोल देखेंगे तो ग्लूटोनी, निंजा और नॉर्मल इम्पोस्टर आया है। तो मैं यहाँ पे कैफेटेरिया पे वेट कर रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ जा रहा है। ग्लूटोनी मोस्ट ऑफली राइट साइड के एरिया में ही जाता है नेविगेशन के साइड, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे कौन कौन जा रहा है। तो जैसे ही लाइट हो गई मैं भागा सीसीटीवी रूम में, ताकि जल्दी से कैमरा झाँक सकूँ और अगर कोई वेंट वेंट मार जाए तो मेरे को पता चल जाए। तो यहाँ पर जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ तो ग्रीन पाइन और ऑरेंज को मार के भाग रहे हैं। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ बॉडी रिपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ग्रीन को जल्दी से निकाल दूँ, एक इम्पोस्टर कम हो जाएगा। जैसे ही ऑरेंज की बॉडी रिपोर्ट हुई तब 3 किल हो चुके हैं, तो मेरे को लगा शेरिफ मर चुका होगा क्योंकि गेम में शेरिफ भी आया है। लेकिन मीटिंग में पता चलता है कि भाई शेरिफ अभी जिंदा है, तो एक इम्पोस्टर ने मारा होगा और एक ब्लू ने खाया होगा। यहाँ पे मैं ऑरेंज को पहले इम्पोस्टर मार्क करता हूँ, तो मैं रोड भी देखता हूँ तो वहाँ पर एक नॉर्मल इम्पोस्टर आया है और ब्लू का सुपर पास अभी 1 है, तो 100% उसको ही अभी नॉर्मल इम्पोस्टर मिला होगा, तो ग्रीन निंजा होगा। तो मैं यहाँ पर दोनों का मार्क चेंज करता हूँ, और सियान अपना इंजीनियर था, और यहाँ पे मैंने शुरू में देखा था कि वाइट और येल्लो साथ में गए थे, तो मैं वाइट को ग्लूटोनी मार्क कर रहा हूँ।
या फिर रेड होगा, दोनों में से एक ग्लूटन ही होगा, लेकिन हाई चांसेस है कि वाइट ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट को भी ग्लूटन ही मार्क कर लिया। तो अब आप मेरे को पूछेंगे कि ये भाई आपको कैसे पता चला कि वाइट ही ग्लूटन ही है, तो मैंने स्वैपर की टिप्स एंड ट्रिक्स में इसीलिए बोला था कि मीटिंग में अपने कान, दिमाग और गेम में अपनी आँखें खुली रखो ताकि आपको पता चले कि कौन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक को पहले निकाल दिया ग्रीन को, क्योंकि ग्रीन निंजा था तो पहले इम्पोस्टर को निकालवाया। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद ना ब्राउन और रेड सीसीटीवी रूम में चले गए, मेरी जगह ले ली थी। तो मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में जा रहा था कि चलो ब्लू को तो निकाल लो, ब्लू तो इम्पोस्टर हो गए। तो इतने में ना ब्लू भाई तो सियान भाई को मार के भाग रहे थे, तो मैंने बॉडी रिपोर्ट कर दी और ब्लू को भी निकाल दिया स्वैप मार के। तो अब दोनों इम्पोस्टर निकल चुके हैं, तो ये ग्लू तो निकाल लिया, गेम हो सकता है। लेकिन मैंने मीटिंग में बोल लिया था कि भाई ब्राउन टू शेरिफ है ना, तो टू रेड और वाइट में से एक पे ट्राई करना। ब्राउन ने रेड पे ट्राई कर लिया था तो रेड सेफ हो चुका है, तो यहाँ पे गेम क्लियर है, वाइट ही क्लूटो नहीं होगा। तो ये दूसरी गेम भी ख़त्म हो चुकी है, आप लास्ट में रोल चेक कर लेना। चलो अब तीसरी गेम देखते हैं। अभी और 6 मिनट हुआ है, मैंने 2 गेम ख़त्म कर दी है, 3-3 मिनट में एक एक गेम ख़त्म किया है। तो मैं सिक्योरिटी रूम में आता हूँ और कैमरा ऑन करता हूँ, तो इतने में ना येल्लो आ रहा है सीसीटीवी रूम के साइड, तो मैं वहाँ से भाग गया कि भाई येल्लो भाई अगर इम्पोस्टर को मेरे को काट देगा, यहाँ पे कोई है भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। येल्लो भाई आए तो मैं यहाँ से भाग रहा था, फिर से टर्न लिया कि येल्लो कहाँ चला गया। तो येल्लो भाई तो यहाँ पे पता नहीं कौन सा मिशन कर रहा है भाई, वहाँ पे फेक टैकलिंग कर रहा है, वहाँ तो मिशन भी नहीं होते। तो मेरे को डाउट हो गया था कि येल्लो कुछ ना कुछ तो है, इम्पोस्टर होगा या न्यूट्रल होगा। तो मैं जा रहा था मीटिंग बुलाने के लिए, लेकिन इतने में ना मैं देखता हूँ कि ग्रीन भाई ना बहुत जल्दी जल्दी भाग के आ रहे थे और मीटिंग बुला ली। तो मेरे को पता चल गया था कि भाई ग्रीन सर्वाइवल होगा, उसकी सील किसी ने तोड़ी होगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी भाग के मीटिंग बुलाने के लिए आ रहा था। हेलो ब्रो, वाइट को कर देना, वाइट को, वाइट वाइट इम्पोस्टर है, वाइट को कर देना। तो यहाँ पे वाइट का सुपर पास लेवल 1 था, तो वो नॉर्मल इम्पोस्टर ही बना होगा। तो अब मैंने बोला कि चलो रोल ड्रॉप करो, लेकिन मीटिंग में किसी ने रोल ड्रॉप नहीं किया, लेकिन बोल रहे थे कि मैं इसके साथ था, लेकिन यहाँ पे किल भी नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे सीधा येल्लो पे स्वैप करने वाला हूँ, क्योंकि वो फेक मिशन एक्टिंग कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वाइट का वोट सीधा येल्लो पे स्वैप किया। तो यहाँ पे ना येल्लो का पूरा वक्त, जज्बात और ज़िंदगी उखाड़ के मैंने फेंक दी। उसे पता भी नहीं होगा कि भाई इसे पता कैसे चला कि मैं ही इम्पोस्टर हूँ, वो अभी भी सोच रहा होगा। तो एक इम्पोस्टर निकल चुका है, अब दूसरा वाइट है, क्योंकि वाइट ने सर्वाइवल की सील तोड़ी थी, तो गेम इजी हो चुका है अब। तो यहाँ पे ना इम्पोस्टर ने रिएक्टर का सेबोटास बुला दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इम्पोस्टर एक निकल चुका है और एक दूसरा तो पता ही चल गया है। तो भाई रिएक्टर ठीक हो गया, तो हम लोग सभी लोग सीसीटीवी रूम में जा रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे भूल गया था कि यार गेम तो ख़त्म है, कैमरा जाके क्या करने वाला हूँ। तो मैं गया कैफेटेरिया में मीटिंग बुलाने के लिए, क्योंकि दूसरा इम्पोस्टर वाइट ही है। ये तुम्हारे लिए मैंने वाइट को। तो यहाँ पे वाइट को भी निकाल दिया, तो वाइट हमारा दूसरा इम्पोस्टर था। तो गेम खत्म हो चुका है, तो 9 मिनट के अंदर 3 गेम खत्म हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी स्वैपर की। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी पता चले। और अभी और स्वैपर की गेम प्ले वीडियो आएगी जो ब्लैक जैक के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.